मनी लॉन्ड्रिंग मामले में करीब एक साल से तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत की उम्मीद कम है। इस बीच सत्येंद्र जैन को लेकर नई खबर सामने आई है। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जैन की स्वास्थ्य संबंधी समस्या को उठाते हुए कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वह कंकाल जैसे दिखने लगे हैं। उन्होंने शीर्ष अदालत से कहा कि इस मामले पर विचार करने की जरूरत है। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी का पक्ष सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर गुरुवार को ईडी से जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले में जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए कहा कि सत्येंद्र जैन राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ में अपील कर सकते हैं। दिल्ली सरकार में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से कहा कि दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन का वजन 35 किलोग्राम घट गया है, वह कंकाल जैसे दिखाई देने लगे हैं, वह कई तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं। अधिवक्ता एएम सिंघवी ने इस विरोध पर शीर्ष अदालत ने कोई तारीख तो नहीं दी, लेकिन उनसे कहा कि सत्येंद्र जैन राहत के लिए अवकाशकालीन पीठ के सामने मामला रख सकते हैं। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने पहले की तरह जैन की ओर ये दायर जमानत याचिका का विरोध किया। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट के धन शोधन मामले में जैन की जमानत याचिका 6 अप्रैल को खारिज कर दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने गवाहों के दावे को गंभीरता से लेते हुए कहा कि जैन कथित अपराध के मुख्य साजिशकर्ता यानी मास्टरमाइंड थे। हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा था कि आप नेता जैन एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने में सक्षम है, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। दिल्ली की नौकरशाही विवाद पर सुप्रीम कोर्ट फैसला आने के बाद भी एलजी विनय सक्सेना और सीएम अरविंद केजरीवाल के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर जारी तकरार अभी समाप्त नहीं हो पाई है। अब यह नए फॉर्मेट में सामने आ गया है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज के ताजा ट्वीट से साफ है कि एलजी अब जीएसटीडी एक्ट की आड़ में दिल्ली सरकार को उलझाना चाहते हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अपने ट्वीट में लिखा, सेवा सचिव को बदलने के लिए सरकार ने कल शाम माननीय एलजी को फाइल भेजी थी। एलजी चुनी हुई सरकार की सहायता और सलाह से बंधे हैं। हमने अभी तक फाइल वापस नहीं मंगाई है, लेकिन हमने लिखा था कि यह बहुत जरूरी था। मुझे उम्मीद है कि आज एलजी फाइल को हमारे भेज देंगे। अपने बैक टू बैक ट्वीट में उन्होंने यह भी लिखा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के कामकाज में बाधा डालने का नया तरीका है। जीएनसीटीडी संशोधन अधिनियम कहता कि सभी फाइलों को एलजी को भेजने की जरूरत है, इस अधिनियम को भी खत्म करने की जरूरत है, अन्यथा एलजी इस तरह फाइलों पर बैठकर सरकार के कामकाज में बाधा डालते रहेंगे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।